Hello student, today we are continuing with our chapter number 1, some basic concept of chemistry. Okay? आज हम लोग multiplication, division and addition and subtraction सीखेंगे. जिसमें n into 10 raised to minus 8 form, 10 raised to minus n formula वाले. ठीक है, हम लोगों ने last lecture में मैंने आपको कराया था ना uncertainty measurement. तब हमने क्या किया था कि अगर कोई भी number है वो बहुत ही long, बहुत ही लार्ज नंबर है तो हम उसे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
इवेल्यूएट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, मेरा आंसर डिफरेंट, दो स्टूडेंट आप लोग वो प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। अगर ए स्टूडेंट ने वो प्रैक्टिकल किया तो उसका एक आंसर आया 1.99 और उसका दूसरा आंसर आया 2.05 या 2.01, ठीक है। तो उससे क्या किया, उसने दो प्रैक्टिकल किए, ठीक है, तो दोनों का हमें क्या लेना है, दोनों का एवरेज लेना है। तो वो जो भी एवरेज आएगा तो वो एवरेज क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो भी आंसर होगा वो आंसर में प्लस और माइनस वन जितनी ही अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब उसका जो आंसर है उसमें प्लस माइनस का या तो फिर प्लस वन जो लास्ट डिजिट है या तो वो प्लस वन ज्यादा होगा या तो माइनस वन कम होगा, ठीक है। उनसे ज्यादा अनसर्टेनिटी आनी चाहिए नहीं। अगर मेरा आंसर 11.1 है तो आपका आंसर या तो 11.0 आना चाहिए या तो फिर 11.2 आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, अगर ये 11.2 है तो उसमें जो ये 11 है ना वो क्या है, सर्टेन है, और ये जो 2 लिखा है ना उसमें क्या बोलते हैं, अनसर्टेन, ओके। तो वो ये अनसर्टेन, ये सर्टेन हुआ क्यों, क्योंकि ये फिक्स है और 0.2 में डिफरेंस आ सकता है। मेरा अगर मेरा 11.1 है तो आपका 11.2 भी आ सकता है, किसी का 11.3 भी आया, मतलब वो मेजरमेंट फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, ठीक है। और वो जो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी वो कितनी आनी चाहिए, प्लस माइनस 1, ओके। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना उसके कुछ रूल्स है, तो सर्टेन रूल्स फॉर अ डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसका फर्स्ट रूल्स क्या है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो के अलावा जो भी डिजिट है उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इन 285, मतलब उसमें कोई भी जीरो है नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, तीन, 0.25, 2 एंड 5 आर नॉन डिजिट नंबर, राइट, बट उसके आगे 0.0 है, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन 0.25 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ओनली 2, ओके। सेकंड पॉइंट है, जीरो प्रिसाइडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो वो जीरो हम किसके लिए लिखते हैं, यहाँ पे 0.03 है तो ये 0.03 किसके लिए, डेसिमल पॉइंट लिखा उसके लिए हम लोगों ने जीरो लिखा, ठीक है। तो ये जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो इन 0.03 ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर है प्रेजेंट, ओके। थर्ड पॉइंट, 0 बिटवीन द नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी नॉन डिजिट नंबर के बीच में अगर जीरो है, जैसे 2.005, तो 2 और 5 बोथ आर नॉन डिजिट नंबर, नॉन जीरो नंबर, ओके। तो नॉन जीरो नंबर के बीच में इन बिटवीन 0.0 है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते, काउंट कर सकते हैं। तो इन 2.005 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अवर फोर्थ पॉइंट इज 0.0 एट द एंड ऑफ राइट, मतलब कोई भी नंबर है उसकी राइट साइड पे अगर जीरो है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी, क्या कि अगर उसमें आपको क्या देखना है कि उसमें डेसिमल पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है तो पीछे वाले जो भी जीरो है उसे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो उसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। तो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट मतलब 0.200, तो ये सब जीरो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के पीछे है ना, तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। और इन 1.00 विदाउट डेसिमल पॉइंट